नात बना दे जो लफ्ज कहे वो से तू नात बना दे या रब मेरी सोई तकदीर जगा दे आँखें मुझे दी हैं तो मदीना झोली
भर दो झोली, हम सब की भर दो झोली। तुम्हारे आस्थान से जमाना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्थान से जमाना क्या नहीं पाता। कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली गुनहगारों से पुरसिश जिस खड़ी होगी, यकीनन हर बशर को अपनी बख्शिश की पड़ी होगी। सभी को आस उस दम कमली वाले से लगी होगी कि ऐसे में मोहम्मद की सवारी आ रही होगी, ऐसे में मोहम्मद की सवारी पहले चमन।
گلشن میں گوارا کرتے ہیں ان کے اپنی آوازوں میں بجلی کو پکارا کرتے ہیں بجلی کو پکارا کرتے ہیں کب میرا نچے من اہل چمن گلشن میں گوارا کرتے ہیں کب میرا نچے من اہل چمن پہنچو نہ عرق رخساروں سے ساروں سے رنگینی حسن کو بڑھنے دو پہنچو نہ عرق رخ ساروں سے رنگینی حسن کو بڑھنے دو سنتے ہیں کہ شبنم کے قطرے قطرے پھولوں کو نکھارا کرتے ہیں شبنم کے قطرے پھولوں کو نکھارا کرتے ہیں کب میرا نچے من اہل چمن جاتی ہوئی میت دیکھ کے بھی جاتی ہوئی میت دیکھ کے بھی اللہ تم اٹھ کر آ نہ سکے اللہ تم اٹھ کر آ نہ سکے دو چار قدم تو دشمن کی دو چار قدم تو دشمن کی تکلیف گوارا کرتے ہیں دو چار قدم تو دشمن کی تکلیف گوارا کرتے ہیں کب میرا اہل چمن گلشن میں گوارا کرتے ہیں کب میرا نشے من اہل چمن اب نزا کا عالم عالم ہے مجھ پر اپنی محبت واپس لو اب نزا کا عالم ہے مجھ پر تم اپنی محبت واپس لو جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں کب میرا نشے من اہل چمن تاروں کی بہاروں میں بھی قمر تاروں کی بہاروں میں بھی قمر تم افسردہ سے
से रहते हो। तारों की बहारों में भी कमर तुम अब सुरदार से रहते हो। फूलों को तो देखो कांटों में, फूलों को तो देखो कांटों में, हंस हंस के गुजारा करते हैं। फूलों को तो देखो कांटों में, हंस हंस के गुजारा करते हैं। तब मेरा नशे मन अहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं। उनके अपनी आवाजों में बिजली को पुकारा करते हैं, बिजली को पुकारा करते हैं। कब मेरा मन अहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं। कब मेरा मन रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। ये आया रेडियो पाकिस्तान है गोया खबरों की दुकान, ये आया रेडियो पाकिस्तान है गोया खबरों की दुकान। उसके गुम्बद को पहचान कहीं मस्जिद का हो न गुमान, के होता है दर से कुरान कभी गुमशुदगी का ऐलान। बाबू हो जाना फुटपाथ पर, यहाँ होते हैं बुंदू खान, यहाँ दरबारी और कल्याण। यहीं से कोई तमंचा जान सुनाए गीत गजल की तान, मगर हम कूढ़ों के ये कान करें लय सुरती का पहचान। बाबू हो जाना फुटपाथ पर, गवैया शायर मूर्तिकार है सबका नाम यहाँ फनकार। मुलाजिम सब ना पाएदार मगर बरसों के वजीफा खान, यह है फन का जूना बाजार कसबता होता है व्यापार। बाबू हो जाना फुटपाथ पर, हमीराती भी एक्टर भी गुनी भी मस्त कलंदर भी, हमीराती भी एक्टर भी गुनी भी मस्त कलंदर भी। यहाँ है न्यूज रीडर भी, शकील अहमद भी, अनवर भी, यही का आर्टिस्ट बनता जो होता राजा इंदर भी। बाबू हो जाना फुटपाथ पर, बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। ये आया ईदगाह मैदान, यहाँ की भी है निराली शान, अनूठे यहाँ के रेस्टोरान है इनका बाकी सब पकवान। ये कुल्फी खीर कबाब और नान है सब बीमारी के सामान। बाबू हो जाना फुटपाथ पर, सड़क के बीच में चौराहा वो देखो नाच सिपाही का, सड़क के बीच में चौराहा वो देखो नाच सिपाही का। रस्सी का ये अंडा था है जो भी डालर को टिला, किधर जाता है और रिक्शा अबे चालान कराएगा। बाबू हो जाना फुटपाथ पर, बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। आई लक्ष्मी बिल्डिंग कभी थी सबसे बड़ी बिल्डिंग, ये आई लक्ष्मी बिल्डिंग कभी थी सबसे बड़ी बिल्डिंग। जो लालू खेत से भी देखो नजर आती थी यही बिल्डिंग,
था जिनका इसमें एक दफ्तर, वो अब रखते हैं कई बिल्डिंग, बाबू हो जाना फुटपाथ। हुआ मेरा घोड़ा कम रखता के आया बोलतन बाजार, तरक्की की है यहाँ भरमार के पैदल चलना भी दुश्वार। रामों का ये बड़ा जंक्शन, हर एक जानी भैसी हो पुकार, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड देख के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बम्बे बाजार फलों का होता है व्यापार, सजे हैं सेब अंगूर अनार मौसम्बी मालते रसदार। सफेद हो सुर्ख तो दुकानदार, मगर गाहक लागर बीमार, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड पे के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड देख के मार को तो
सुकून खामोशी रो रहा कि सो नहीं सकता। Scanning from helicopters, I'm in remorse, birds, 45s or 22s. Ain't got no kind of clue, monkey see, monkey do. But monkey black, monkey who? I heard you quick to brag, I'm pulling the triggers, but who's the one that's been pulling you? Young-minded, so your lack of experience is uptight, and now you're running around the streets like you're bulletproof. But there's two shots past your spinal column. Now you drop it, calling on God, cause the sky's falling. So ashes to dust, earth back to the universe comes in thirds, and you see that by the time it's watching. The president got one, the cops they got one, our favorite rapper got one. You need to put down that gun, you need to put down that gun. And then the kids say the president got one, my teacher got one, my favorite rap star got one. Put down that gun. Bang is how it goes. Some blasts from in the sense to creep to crash through your windows. And all your boys drop a dash as fast as the wind blows. And you're the only cat to see the last of your kin folk up and then smoke. Now you say you's a menace, dog. A heat seeker sweeping street spin on some bitches, guy. The kind of cat who bring the reaper to a renaissance until you caught a beat in that devil exactly what he wants. Now, it's like 360 degrees. And the future's predetermined by futures previously. And you can see the story on any TV at 3 immediately as the media sees it to be in the same old cycle. Repetitive psycho shoots his wife, his kids, and then himself with a rifle. So that's why I'm holding close to mine, cause when I go, it's gonna be on both feet, locking his mind like and a micro. The president got one, the cops they got one, your favorite rapper got one. You need to put down that gun. Gangsta. The government is a gangsta. The FBI is a gangsta.
कैसे हो सकता है कि सिंध की बात हो, सिंध के शायरों की बात हो, सिंध के सूफियों की बात हो, सिंध के सिंगर्स की बात हो और शहबाज कलंदर का जिक्र ना हो। तो हमारा आखिरी जो आइटम है, मैं ये बताता चलूं कि इसका जो इब्तदाई शेर है, सनम बताएंगे। हाँ, इब्तदाई जो शेर है वो अलामा इकबाल साहब के कलाम में से मैंने फारसी लिया है, जो हजरत अली की शान में है, ऐसी किस्मत है। और एक हमारा और सरप्राइज है, वो आप देखेंगे। द वन एंड ओनली पप्पू साईं। वाह वाह वाह। Ah, 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 ah
میں جہاں یہ کہوں گا کہ قائد اعظم کے پاکستان کو، اقبال کے پاکستان کو، شاہ لطیف کے پاکستان کو، سچل سرمست کے پاکستان کو، شہباز قلندر کے پاکستان کو، جام دروک کے پاکستان کو، رحمان بابا کے پاکستان کو اللہ تعالیٰ یوں ہی سلامت رکھے اور ہم ہنستے مسکراتے رہیں، آپس میں پیار بانٹ
इसी दिल का करार बन के रहो, इसी चमन में रहो तुम। अपने प्यार को दिल से लगा के जीनेंगे, ये जहर तुमने दिया है तो हंस के पी लेंगे। जमाना दे ना तुम्हें बेवफाई का इल्जाम, जमाने भर में वफा का वकार बन के रहो। खुदा करे किसी दिल का करार बन के रहो, किसी चमन में रहो। किसी के साथ रहो तुम, तुम्हारे साथ हैं हम, तुम्हारा गम है सलामत तो फिर हमें क्या गम। तुम्हारी राह चमक पी रहे सितारों से, दयारे हुसन में हुसने दयार बन के रहो। खुदा करे किसी दिल का करार बन के रहो, किसी चमन में रहो।
इनायत रखे तेरी जुर्रत तेरी अजमत को सलामत रखे जज्बाए शौक शहादत की दुआ पेश करूं अपनी जान अपनी वफा पेश करूं और के मर्द मुझे तुझे क्या पेश करूं अपनी जान नजर करूं अपनी जान नजर करूं अपनी वफा पेश करूं कौन के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं अपनी जान नजर करूं अपनी जान नजर करूं अपनी वफा पेश करूं कौन के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं अपनी जान नजर करूं अपनी जान नजर करूं अपनी जान नजर करूं अपनी जान नजर करूं अपनी जान अच्छी बात हो अच्छी बात सुनो अच्छाई करो ऐसे जियो चाहे ये दुनिया बुराई करे तुम ना बुराई करो अच्छी बात कहो सुनो मर के भी जिंदा रहते हैं दुख जो औरों के लेते हैं मर के भी जिंदा रहते हैं आ नहीं सकती उस पे बलाएं लेता है जो सबकी दुआएं अपने हो या बेगाने हो सबसे भलाई करो अच्छी बात हो अच्छी बात सुनो
बुरी होती है लड़ाई, होता है अंजाम तबाही। चीज बुरी होती है लड़ाई, होता है अंजाम तबाही। प्यास तुम सबको अपना लो, दुश्मन को भी दोस्त बना लो। भटके हुए इंसानों की तुम राहनुमाई करो, अच्छी बात कहो, अच्छी बात सुनो, अच्छाई करो, ऐसे जियो चाहे ये तुम। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा जश्न जहां पूरा बॉलीवुड था, किसी की आंख में आंसू थे तो कोई पंजाबी धुन पर थिरक रहा था, तो कुछ लोग लंबे अरसे के बाद नजर आए थे। वहां अमिताभ थे तो शाहरुख, सलमान और आमिर भी एक साथ थे। कहां थी ऐसी दावत, कहां जमा हुआ पूरा बॉलीवुड? आइए देखते हैं बॉलीवुड का सबसे बड़ा जश्न हमारी इस खास रिपोर्ट में। आपने ऐसा अद्भुत नजारा यकीनन पहले कभी नहीं देखा होगा। शाहरुख प्रियंका को ऐसे ठुमके लगाते नहीं देखा होगा। बॉलीवुड के धर्म लंबे अरसे बाद ऐसे भांगड़ा करते नजर आए। आपने पूरे बॉलीवुड को एक साथ एक छत के नीचे झूमते गाते शायद ही कभी देखा होगा। मर जावांगी मैं
हम आपको दिखा रहे हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े जश्न की एक एक तस्वीर, वो जश्न जहां दुश्मन भी अपनी दुश्मनी छोड़ एक साथ नजर आए। मौका था ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब के 89वें जन्मदिन का। इस मौके पर उनके नए पुराने सभी दोस्त उनका जन्मदिन मनाने पहुंचे। यूसुफ है अभी जुल्फे जुलेखा का असीर, इश्क यूसुफ है अभी जुल्फे जुलेखा का असीर, इश्क यूसुफ है अभी, इश्क यूसुफ है अभी जुल्फे जुलेखा का असीर, पहले यूसुफ की। बर्थडे पार्टी में जैसे ही हंस राज हंस की आवाज का जादू चला तो काली साड़ी पहने सायरा बानो अपने पति दिलीप साहब की बलाएं लेने और थिरकने से खुद को रोक नहीं पाई। सायरा बानो के इस जोश को देखकर शाहरुख और प्रियंका ने भी खूब ठुमके लगाए। मौका बॉलीवुड के सबसे बड़े जश्न का था तो धर्मेंद्र ने भी ताली बजा बजा कर ढोल पर भांगड़ा किया। कुछ ही दिन बाद अपना 76वां जन्मदिन मना चुके धर्मेंद्र इतने जोश और उत्साह से भरे नजर आए कि उन्होंने पूरी महफिल को यह एहसास करा दिया कि वो ट्रेजेडी किंग के बहुत बड़े फैन रहे हैं। ट्रेजेडी किंग के इस जन्मदिन पर सलमान अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। तो वहीं कटरीना भी सफेद सलवार कमीज पहनकर दिलीप साहब को जन्मदिन की बधाइयां देने पहुंची। जब बॉलीवुड के दो खान एक छत के नीचे थे तो भला आमिर कैसे पीछे रह सकते थे, वो भी दिलीप कुमार को शुभकामनाएं देने आ गए। पानी शराब में मैं पी गया मिला के। दिलीप कुमार से मिलने अमिताभ बच्चन भी बेटे अभिषेक और जया बच्चन के साथ पहुंचे। जाम जब पीता हूं तो कहता हूं बिस्मिल्लाह। तो वहीं पूरा कपूर खानदान भी इस मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने आया। सबको मिला के पीते हैं। बॉलीवुड के इस सबसे बड़े जश्न में वो चेहरे भी नजर आए जो आमतौर पर किसी जश्न में दिखाई नहीं देते हैं। वहीदा रहमान, आयशा पारेख और शत्रुघ्न सिन्हा अपने पूरे परिवार के साथ इस जश्न में शरीक होने आए। ट्रेजेडी किंग के बर्थडे पर लगे बॉलीवुड के मेले में सायरा बानो बेहद भावुक को उठी। उन्होंने बर्थडे केक काटने से पहले दिलीप साहब को बड़े प्यार से गले लगाया और फिर वो रोने लगी। बहुत देर तक वो दिलीप साहब के गालों को चूमती रही। यकीनन दिलीप साहब के इस जश्न ने पूरे बॉलीवुड को फिर से एक धागे में पिरो दिया। दिलीप कुमार के जन्मदिन पर एक मौका ऐसा भी आया जिस पल का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बर्थडे पर बॉलीवुड के तीन खान एक साथ नजर आए। तीन तस्वीरें देखिए, सलमान, शाहरुख और आमिर खान एक एक कर दिलीप कुमार से मिले। इन तीनों ने दिलीप साहब को गले लगाकर जन्मदिन की बधाइयां दी। तिलक सब पानी शराब में मैं पी गया मिला के जवानी शराब में सब तो मिला के पीते।
बॉलीवुड के सबसे बड़े जश्न में दो दुश्मन खान आमने सामने आ गए। दोनों की दुश्मनी यहां भी नजर आई। जहां लोग एक दूसरे से दुश्मनी भुलाकर गले मिल रहे थे, वहीं सलमान शाहरुख ने एक दूसरे से किनारा कर लिया। ये तस्वीरें हैं दिलीप कुमार के 89वें जन्मदिन की। जहां एक ही वक्त एक ही जगह मौजूद थे बॉलीवुड के दो दुश्मन खान। देखिए, एक तरफ सलमान खान अपनी गाड़ी से मौके पर पहुंचे थे तो दूसरी तरफ दरवाजे पर शाहरुख पहले ही मुस्तैद थे। लेकिन पार्टी में जाने के बाद शाहरुख की मौजूदगी का एहसास होते ही सलमान जल्दी ही पार्टी से निकल गए। देखिए सलमान ट्रेजेडी किंग को बधाई देने पहुंचे। सलमान काफी देर तक दिलीप साहब का हाथ पकड़कर उनके साथ बैठे रहे, लेकिन पूरी पार्टी की रौनक रहे और पार्टी को अपने डांस से चमकाने वाले बादशाह दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। सलमान के साथ गोविंदा ने भी दिलीप कुमार को जन्मदिन की बधाई दी। सलमान के जाने के काफी देर बाद शाहरुख खान प्रियंका के साथ दिलीप कुमार और सारा बानो से मिले और फिर शाहरुख ने वहां महफिल में रंग जमा दिया। सफेद लिबास में कटरीना ने भी दे दी दावत में दस्तक और दो खान हो गए हैरान। क्या शाहरुख और सलमान के बीच फिर आ गई कटरीना? कटरीना इस वक्त शाहरुख और सलमान दोनों के साथ उनके फिल्मों की शूटिंग कर रही हैं और तीनों एक ही जगह पहुंच गए और वो भी एक ही वक्त पर। साल 2008 में कटरीना के जन्मदिन की बिग फाइट अब भी बॉलीवुड में याद की जाती है। ये तस्वीरें देखिए कैसे एक दावत ने दुश्मनी की ऊंची दीवार खड़ी कर दी थी शाहरुख और सलमान के बीच, और अब फिर आ गए एक ही दावत में शरीक होने शाहरुख, सलमान और कटरीना। लेकिन ट्रेजेडी किंग की इस पार्टी में हर दुश्मनी छोटी नजर आई।
हम पिछले तो शायद